मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। बीती रात छिजवाड़ के रहने वाले युवक की मालगाड़ी से टकराने से मौत हो गई। युवक छिजवाड़ नौबस्ता चौकी थाना चौरहटा का रहने वाला था। आज सुबह संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव पर जमाने कर दिए। बीती रात नौबस्ता चौकी अंतर्गत छिजवाड़ के रहने वाले 40 साल के युवक की मालगाड़ी से टकराने से मौत हो गई। हम आपको बता दें, सुरेंद्र सिंह पिता रामकरण सिंह उम्र 40 छिजवाड़ चौकी नौबस्ता थाना चौरहटा के रहने वाले। खेतों में इस समय सिंचाई का काम चल रहा है, लोग आवारा मवेशियों को छोड़ देते हैं, जिसके चलते गाँव के ज़्यादातर लोग इस समय रात में ही खेतों में नजर आते हैं। सुरेंद्र सिंह भी रोज की तरह अपने घर से खाना पीना खाकर लगभग 10 से 11 बजे के बीच घर से निकले थे। यह कहकर खेत जा रहा हूं, क्योंकि रोज का काम था इसलिए घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा। रास्ते में रीवा सतना रेल लाइन भी पड़ती है, उसी दौरान ट्रैक में कुछ मवेशी दिखाई दिए, ट्रेन आती दिखाई दी। उन्होंने मवेशियों को हटाया लेकिन खुद नहीं हट पाए। मालगाड़ी से टकराने से उनका शरीर बुरी तरीके से छत विछत हो गया। सुरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। रात का मामला था इसलिए सुबह होते ही मौके पर नौबस्ता चौकी की पुलिस पहुंची। पंचनामे की कार्रवाई के बाद शव को रीवा के संजय गांधी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। हमारी टीम ने उनके भाई से बात की। उनका साफ तौर से कहना था, रोज की तरह घर निकले थे लेकिन ट्रैक में मवेशी दिखाई दिए, उनको हटाते समय मालगाड़ी से टकराने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। रीवा सतना रेलवे लाइन जब से बनी है आए दिनों इस तरीके के हादसे दिखाई पड़ने लगे। किसी जमाने में रीवा में ट्रेन नहीं थी, जिसकी वजह से ट्रेन से टकराने के कोई भी मामले नजर नहीं आते, स्वाभाविक भी था। अब महीने दो महीने में इस तरीके की वारदात एक्सीडेंट दिखाई पड़ने लगे हैं। कभी लोग ट्रेन से गिर जाते हैं, कभी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है, तो कभी लोग ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। मवेशियों के कटने के मामले तो आए दिन सामने आते ही रहते हैं, लेकिन सुरेंद्र सिंह के मामले में हम ऐसा नहीं कह सकते। सुरेंद्र सिंह ने पटरी पर कुछ मवेशियों को देखा, उनको हटाने लगे, इसी दौरान मालगाड़ी से टकरा गए, उनकी मौके पर मौत हो गई। हमने संजय गांधी अस्पताल में मौजूद सुरेंद्र सिंह के भाई से पूरे मामले को लेकर बातचीत। उनका साफ तौर से कहना है, इस समय खेत में सिंचाई का काम चल रहा है, आवारा मवेशियों के आने से भी हम लोग काफी परेशान हैं। हम लोगों की, या यूं कहें किसानों की, रात खेत में ही होती है इस कड़कती ठंड के बावजूद। बीते दिवस भी कुछ ऐसा हुआ, दिन भर वो खेत में रहे, रात को घर पहुंचे, खाना पीना खाया, लगभग 10 से 11 के बीच में वो घर से निकले थे। घर से निकलने के बाद जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचे, रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग के पास कुछ मवेशी ट्रेन की पटरी पर टहल रहे थे, वो मवेशियों को हटाने लगे। उसी दौरान ट्रेन आ गई, पटरी से वो हट नहीं पाए, ट्रेन से उनका शरीर टकराया, गंभीर रूप से घायल हो गए, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आइए आपको सुनाते हैं संजय गांधी अस्पताल में मौजूद सुरेंद्र सिंह के भाई पूरे मामले को लेकर हमें क्या कुछ बता रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया, कैसे हो गया? में ट्रेन से। कब की बात? ये रात के है 10-11 बजे लगभग। यहाँ से घर तक गए हैं गुरुआ मान में। क्या नाम था? सुरेंद्र सिंह। पिताजी श्री राम करण सिंह। थाना चौराहा। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।